धनबाद में ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने हनुमान जी को नोटिस भेजकर 10 दिनों के अंदर मंदिर हटाने को कहा है। मामला धनबाद के बेकार बांध क्षेत्र का है। रेल मंडल ने ही भगवान को नोटिस भेज दिया है। बता दें कि यहाँ 1931 से हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में वहाँ के स्थानीय लोग प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं। सुबह लोग जैसे ही पूजा करने के लिए गए तो मंदिर के मुख्य गेट पर रेलवे का नोटिस चस्पा देखा। मंदिर के गेट पर चिपके हुए नोटिस में लिखा है कि आपने रेलवे की जमीन पर कब्जा कर रखा है, जल्द ही जमीन को खाली कर दीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। हनुमान जी को नोटिस मिला है कि हनुमान जी यहाँ जगह खाली करिए, तो हम लोग यहाँ कम से कम 1931 से हैं। हम लोग का रेलवे वाला नोटिस दिया है, ये नहीं बोला है कि कब खाली करें, तो हम लोग इतना बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे। मंदिर का निर्माण कब हुआ था? कम से कम 50-60 साल हो गया, इससे ऊपरे हो गया। अभी हम लोग का जन्म भी नहीं था तब से ही मंदिर है। इससे पहले भी कोई मतलब नोटिस आया था? कोई नोटिस नहीं आया है, कोई नहीं बोला है कि आप खाली करिए या मंदिर यहाँ मत बनाइए। जब मंदिर बना तो उसी घड़े मतलब रेलवे वाला बोलता कि यहाँ मंदिर आप लोग मत बनाइए, यहाँ जगह खाली कर दीजिए। तो हम लोग नहीं बनाते, यहाँ मेरा कुल देवता है, पुरखा पुरखी मरा हुआ है। शादी होके मेरा दादी यहीं धनबाद में आई, यहीं पर हम लोग रहते हैं। कम से कम हम लोग 400 घर हैं। ये तो हास्यपद लग रहा है कि एक भगवान को नोटिस दिया जा रहा है। तो भगवान को तो पहले नोटिस दिया हुआ है कि भगवान जी आप यहाँ खाली करिए, तो भगवान जी खाली करेंगे तो कहाँ जाएंगे। ये तो हम इतना उम्र में, मेरा उम्र 50 साल हो गया, कभी हम नहीं सुने थे कि हनुमान जी को और शंकर भगवान को नोटिस मिला है। ये तो पहला बार है कि हनुमान जी को नोटिस मिला है, तो हनुमाने जी ना बताएंगे कि कौन नोटिस मिला है और कहाँ जाना है। लोगों का कहना है कि लगभग कई दशकों से यहाँ रह रहे हैं, आज तक रेलवे ने कभी नोटिस नहीं दिया। मंदिर के पास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और रेलवे के नोटिस पर विरोध जताया। रह गए हैं बजरंगबली के भरोसे। बजरंगबली को नोटिस ऊपर तक बोले, बजरंगबली को नोटिस मिला तो बजरंगबली नहीं रहेंगे तो हम लोग बजरंगबली को कैसे हटने देंगे। कौन दिया है नोटिस? रेलवे। क्या बोला है? बोला कि खाली करिए मंदिर। हाँ, बजरंगबली का मंदिर खाली करिए, नोटिस चिपका दिया। बजरंगबली को ही आदेश दिया है खाली करने का? हाँ, बस्ती को भी बोला है। बस्ती को भी? हाँ। कितने लोगों की आबादी है यहाँ पर? यहाँ कम से कम, हाँ, 250-300 तो हो ही जाएगा सब जितना मिला के। कितने साल से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे? अब बताइए ना, 329 अब इन हमारे 70 हो गया, तो बोलिए। रेलवे अधिकारियों के अनुसार वो जमीन रेलवे की है, वहाँ रह रहे लोग अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं, उन्हें जल्द ही जमीन खाली करने को कहा गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।